सुजैन साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। टाइम फ्रेम करते हैं 15 मिनट का, उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे कि कल क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप सभी को समझना जरूरी है कि आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन में और आज के मोमेंटम के लिए मैंने क्या यहाँ पे आप सभी को एनालिसिस करके बताया हुआ था और किस रेंज में रेंज बाउंड रह सकती है, किस तरह से आप जीरो जीरो कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीजें हमने जो बताई थी किस प्रकार से एक्यूरेट हुई है। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे आप सभी को देखने को मिला। देन उसके बाद में लाइव आकर के हमने आप सभी को निफ्टी बैंक का चार्ट लगा। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 44,250 के नीचे मैंने मार्केट में बताया था कि आपको टारगेट जो है 44,000 के आसपास का देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन करती है, हम तुरंत लाइव आ गए थे और लाइव आने के बाद में एक रेंज क्रिएट कर गए थे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जीरो हीरो जीरो हीरो जीरो हीरो के बारे में बातचीत की है, लेकिन हमने आप सभी को क्या बताया, हमने आप सभी को यही चीज बताई कि जीरो हीरो के चक्कर में आप सभी प्रीमियम जीरो ना कर दें बिना कोई कंफर्मेशन के। आप सभी की कॉल हो या पुट हो जीरो हो जानी चाहिए या फिर जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो 43,870 का ये सपोर्ट जोन बताया था, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होती तो पुट साइड में हीरो होती और अगर 44,000 के ऊपर ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कॉल साइड में हीरो होती, ऐसा मेरा मानना था और मैंने बताया भी था। पैरेलल चैनल क्रिएट करने के बाद में आप सभी को बताया था कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके इस तरह से मार्केट ट्रेड कर सकती है पूरे के पूरे दिन, और आपने देखा कि पूरा समय निकल गया और यहाँ पे जीरो हीरो करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपना प्रीमियम यहाँ पे जीरो कर दिया। लेकिन उससे पहले ही हम लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट निकाला, हमारे साथ जो लोग लाइव जुड़े थे। अगर प्रॉफिटेबल रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट डे निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है, इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को निफ्टी 50 की कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या जीरो हीरो कैसे क्या होने वाला है, एक्सपायरी कैसे क्या आप ट्रेड कर सकते हैं, वो चीजें नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक के बारे में ही बात करते हैं। तो इस तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। लाइव आकर के आप सभी को बताया जाता है कि मार्केट किस साइड में जा सकती है, कहां पे कौन सी पोजीशन बन रही है या फिर कौन सी पोजीशन बना सकते हैं। हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे जो पुट साइड की अपडेट दी हुई थी आप सभी जाकर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं किस तरह से बूम बूम हुआ है वहां पे अच्छा खासा। लेकिन दोस्तों एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे नाम से अगर आप सभी से कोई पैसे मांगता है तो प्लीज पैसे किसी को मत दीजिएगा, मैं बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट आप सभी की सेवा में समर्पित रहता हूं, 100% बिल्कुल फ्री है, ठीक है, 100% फ्री है। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसी लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज ऐसे सर्च करके जाएंगे तो बहुत सारे फेक चैनल्स आप सभी को मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो लेवल लगा हुआ है इसको रिमूव करते हैं, ये तो आप सभी लोगों ने देखा ही देखा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। सबसे पहले ये पैरेलल चैनल हम यहाँ से करते हैं रिमूव और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। इस तरह से आप भी चाहे तो अपने चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। और नीचे का ये जो सपोर्टिंग लेवल है 43,870 का, मैंने आज भी बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 43,800 के आसपास का सपोर्ट लेवल अगेन हमें यहाँ पे 80 पॉइंट के आसपास में देखने को मिलेगा। तो कल भी यही हो सकता है, 800 के आसपास में हमें सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इन केस 43,800 का लेवल ब्रेक होता है तो हम विजिट करेंगे 43,500 की तरफ जाने का प्लान कर सकती है बैंक निफ्टी, ठीक है, ट्रेवल कर सकती है, यानी 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहें पुट साइड में यहाँ पे अगर आपने इनके एंट्री करी हुई है 43,800 के नीचे तो आपको 100 पॉइंट्स के डिफरेंट पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टारगेट ले लेने चाहिए मेरे ख्याल से, जो सही रहता है वो मैं यहाँ पे आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। फिर भी एक बार डिस्क्लेमर आप सभी को रीड करा दिया गया है, नीचे भी चल रहा है, फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होने वाला है मेरे दोस्त। इन केस मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर जाती है, ट्रेंड लाइन इन केस ब्रेकआउट कर जाती है 43,000 के ऊपर निकल जाए, 43,950 के ऊपर निकल जाती है मार्केट, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करेंगे वेट। और कहाँ तक का वेट करेंगे, 80 से लेकर के इस 20 पॉइंट में लेकर। देखिए यहाँ पे चीजों को समझिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंफर्मेशन होगा 44,000 के ऊपर। अगर मार्केट 43,980 इस 20 पॉइंट में, ये जो 20 पॉइंट की रेंज है, इस 20 पॉइंट में लगातार सस्टेन करती है गैप अप कराने के बाद में, ठीक है, तो यहां से मार्केट नीचे आ सकती है और टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट हमारा 43,850 के आसपास हो सकता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, 70 या फिर 50 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, इन केस इसको ब्रेकआउट करता है 44,000 का लेवल तो मार्केट किधर जाएगी, तो इसका मतलब फिर मार्केट रिकवरी करेगी। इसकी कंफर्मेशन के लिए कहां तक रिटेस्ट करेगी या रिकवरी करेगी क्या करेगी,
इस चीज के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं फिव रिट्रेसमेंट का लेवल और आज के लो के आसपास लगाते हैं 38%, यानी कि हम लेके चलते हैं इसको 61% के आसपास में लेके चलते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद में लेवल निकालने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं, 300 ले लेते हैं रैंडम लेवल। ओके, अब इसको हम करते हैं डिलीट। अब चलिए बात कर लेते हैं इन केस मार्केट जो है 44,000 के ऊपर ट्रेड करती है तो किस प्रकार से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे सस्टेन करती है तो हम 44,190 का लेवल ले सकते हैं, इसके ऊपर 44,300 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वैसे तो यहाँ से गिरावट हुई है तो प्रोजेक्शन की भी माने तो यहाँ से एक बार फिर से गिरावट हो सकती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 78% का रिट्रेसमेंट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है तो यहाँ से भी एक बार गिरावट कर सकती है। इनकेस यहाँ से हम पुट साइड में एंटर करते हैं तो छोटा सा स्टॉप लॉस इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे लेके फिर यहाँ पे 100 पॉइंट्स का एक टारगेट, यानी कि 44,190 का टारगेट, इसके बाद फिर 200 पॉइंट के नीचे का टारगेट मुझे इस तरीके से देखने को मिल सकता है अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अवे गैप डाउन होती है तो। ठीक है, ऊपर मैं फिर से कह रहा हूँ, कल भी बताया था 44,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तब प्रॉपर तरीके से बुलिश होगी, अदरवाइज जब तक इसके नीचे तब तक बेयरिश मोड में ही हम ट्रेड करने वाले हैं। इंट्राडे बेसिस पे हम आप सभी के साथ लाइव आते हैं, लाइव जुड़ते हैं, लाइव लर्निंग सेशन प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं बिल्कुल फ्री आपके पास। तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।